हेलो गाइस दिस इज आदित्य जोशी वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम अ साइकोलॉजी मेजर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एजुकेटर मैं आपको कूल टिप्स देता हूं नीट 2024 के लिए बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था तो मैं इसको एड्रेस कर देता हूं भैया हमसे बैलेंस नहीं हो पा रहा है आकाश एल कोटा अपना कोचिंग और अपनी सेल्फ स्टडी हम क्या करें देखो कोचिंग वाले ना अपने हिसाब से चलते हैं और वो एज्यूम करते हैं कि बच्चे उनके हिसाब से चलेंगे बहुत सारे बच्चे आकाश एल कोटा में जा रहे हैं और उनके अभी ना पार्ट सिलेबस टेस्ट या जो भी है वो टेस्ट चल रहे हैं जिसमें दस के आसपास चैप्टर्स वो पूछते हैं एक पेपर में अब उसके लिए पढ़े कि हम अपना सिलेबस आगे कंटिन्यू करें क्या करें समझ नहीं आ रहा है देखो ये कोचिंग वाले जो होते हैं ना ये चलो अच्छी तैयारी कराते हैं नो no डाउट आपका एक टाइम टेबल फिक्स कर देते हैं कि आपको हर दिन इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा तो ये ये और ऐसा नहीं होता है भाई अब वो दस चैप्टर जो पेपर में पूछ रहे हैं वो दस चैप्टर पढ़ा चुके हैं तुम्हें ऐसा तो है नहीं दस के दस चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं नहीं तो पेपर में फुल नंबर आते हैं तो तुम वो दस चैप्टर पढ़ने बैठोगे अगर इसी साइकिल से तुम चलते रहे तो बाय द एंड ऑफ को कोचिंग मतलब जब तुम्हारा कोचिंग पूरा सिलेबस तुम्हें करा चुका होगा तब तुम नया नया तो याद कर चुके होगे पुराना भूलने लग जाओगे तो अभी मैं चाहता हूं तुम क्या करो 50-50 मत करना एटलीस्ट सिक्सटी फोर्टी करो सिक्सटी परसेंट तुम अपनी पेस से चलो कोचिंग से आगे चलो मैं चाहता हूं नेक्स्ट मंथ की फिफ्टीन uh, तारीख तक मतलब नेक्स्ट वन मंथ में अभी एक महीना के आसपास तुम्हें अपने आप को दे रहा हूं मैं तुम्हें एक महीने के अंदर तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करो मेजोरिटी ऑफ कोचिंग जो है वो काफी ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करा चुके हैं मोस्टली कोचिंग इलेवंथ का सिलेबस कर, करा चुके हैं जैसा भी है तुम देखो लेकिन मैं चाहता हूं नेक्स्ट वन मंथ या फिर वन मंथ्स में तुम अपना सिलेबस खत्म कर दो ठीक है अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है सिक्सटी परसेंट तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है फोर्टी परसेंट तुम्हें पेपरों की पढ़ाई करनी है जो कोचिंग वाले लेंगे हंड्रेड परसेंट से अगर तुम पेपरों की पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा सिलेबस टाइम से खत्म नहीं होगा तो तुम अपने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे और कोचिंग के हिसाब से ही रह जाओगे एक बात याद रखना कोचिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्यूचर ठीक है कोचिंग वाले तो कहेंगे हमने तो पढ़ा दिया था बच्चे को यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन फ्यूचर तो अपने बैलेंस करो यार जो भी तुम्हारे कोचिंग में पेपर चल रहे हैं ना उसमें खाली फोर्टी

करता हूँ और वो छह सात घंटे जो बैठे रहते हैं चेयर में कभी गर्लफ्रेंड की कॉल आ रही है कभी कुछ हो रहा है कभी हॉस्टल में मजे मारने कभी गाने बज रहे हैं कभी कुछ हो रहा है उठ के चल देंगे यार जब पढ़ने बैठो तो सिर्फ पढ़ाई करो तो इसलिए पोमोडोरा जैसी चीजें करो ठीक है 45 50 मिनट्स पढ़ा पांच दस मिनट का ब्रेक लिया 45 50 पढ़ा पांच दस मिनट का ब्रेक लिया कोई ऐसा नहीं होता जो सीधा दो ढाई घंटे लगातार पढ़ सके इतना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता ही नहीं है लोगों का ठीक है लास्टली मैं यही कहूंगा कि देखो कोचिंग के हिसाब से चलना तुम्हारी चॉइस है लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कोचिंग में फोर्टी परसेंट ही अपनी एफिशिएंसी लगाओ सिक्सटी परसेंट अपने ऊपर रखो मैं चाहता हूं तुम कोचिंग से हमेशा आगे चलो कोचिंग के मॉक टेस्ट में उतना टाइम स्पेंड मत करो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो एंड लास्टली अगर कोचिंग में तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं मॉक टेस्ट में तो डोंट डोंट गेट डिप्रेस्ड कि मेरा सिलेबस नहीं हो पाएगा मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा बहुत सारे कोचिंग वाले जब पार्ट सिलेबस टेस्ट देते हैं ना तो उन पार्ट सिलेबस में अंदर तक घुस जाते हैं और एनटी उतने अंदर नहीं घुसेगा एनएमसी उतने अंदर नहीं घुसेगा तो फोकस ऑन एनसीईआरटी एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो एंड ऑल द बेस्ट